तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर गुरुद्वारा पंजा साहिब, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो इसको मज़ीद दिखाते हैं आपको करीब से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ ज़िला अटक में और आपको दिखा रहा हूँ हिस्टोरिकल प्लेसेस। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गुरुद्वारा पंजा साहब। जैसा कि आपको पता है कि गुरु नानक साहब भाई मर्दाना के साथ यहाँ 1521 में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना जो है वो हाथ, पंजा जो है वो रखा, जिसके निशान अब भी बाकी हैं और यहाँ से एक चश्मा भी निकलता है। तो इसको राजा रणजीत सिंह के गवर्नर हरि सिंह नलवा ने यहाँ पर एक गुरुद्वारा कायम किया। हर साल सिख यात्री यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही मशहूर और मरूफ जगह है, तो इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जैसा कि आपको पता है कि खालसा दौर में राजा रणजीत सिंह ने पूरे परसगीर पाको हिंद में गुरुद्वारे कायम किए थे। ये गुरुद्वारा जो है हरि सिंह नलवा ने बनाया था। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। रावलपिंडी से तकरीबन 50 किलोमीटर जीटी रोड हसन अब्दाल अटक में गुरुद्वारा पंजा साहब वाक़िया है। सिख रवायात के मुताबिक 1521 ईस्वी में बाबा जी गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ सख्त गर्मी और सफ़र की वजह से अपने यात्रियों के साथ हसन अब्दाल में एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, के साथ ही एक पहाड़ी पर एक बुज़ुर्ग वली कंधारी चिल्ला काट रहा था। साथ ही उसके ठंडे पानी का चश्मा भी था। सिख यात्रियों को गर्मी की शिद्दत की वजह से सख्त प्यास लगी थी। बाबा जी ने भाई मर्दाना को ऊपर भेजा ताकि पानी ले आए, लेकिन वली कंधारी बुज़ुर्ग ने पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसकी इबादत करते हो उसी से पानी भी मांगो। भाई मर्दाना वापस आए और सारा वाक़या सुनाया, जिस पर बाबा गुरु नानक जी ने अपने रब का नाम लिया और दुआ मांगी, साथ ही अपने साथ पड़े हुए पत्थर को हटाया और इसके नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सिख रवायात के मुताबिक जू ही पानी शुरू हुआ तो ऊपर पहाड़ी पर बैठे बुज़ुर्ग का चश्मा खुशक हो गया। इस पर बाबा वली कंधारी ने गुस्सा में एक बड़ा पत्थर नीचे फेंका। जो ही पत्थर चश्मा के करीब पहुंचा तो बाबा जी गुरु नानक ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और पत्थर को वहीं पर रोका, जिससे पत्थर पर बाबा जी के दाएं हाथ की निशानी कनिंदा हो गई, जो कि आज भी असली हालत में मौजूद है। सिख रवायात के मुताबिक जो शख्स अपना दायां हाथ इस पर रखता है, अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है कबूल होती है। राजा रणजीत सिंह के एक बहुत बड़े जर्नैल हरि सिंह नलवा ने इस जगह का नाम श्री पंजा साहब रखा। यहाँ पर एक शानदार गुरुद्वारा कायम किया। गुरुद्वारा में तकरीबन 400 के करीब कमरे मौजूद हैं। यहाँ पर एक सरोवर भी है। यहाँ पर यात्री आते हैं, अपने हाथ पांव डबोते हैं, पानी पीते हैं और वापस जब जाते हैं तो अपने अजीज़ों कारब के लिए तोहफे के तौर पर ये पानी ले जाते हैं। सिख रवायात के मुताबिक इस पानी में शफा है।